ट्रेन हादसे की भी बात कर लेते हैं। दरअसल कल मदुरई में ट्रेन हादसा हुआ था, 9 लोगों की मौत हो गई थी और लखनऊ पीड़ित पर लोग लौटे हैं। प्लेसिंग एक्सपायर हुई मेरी बुआ। अच्छा, हमको मिलने आ शव उनका मिथिलेश जी का भी आ रहा है। हाँ जी, दूसरी फ्लाइट में आएगा। अब मुझे कुछ ऐसी जानकारी नहीं, मैंने सुना बुआ मेरी फूफा जी आ रहे हैं, मैं इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। तो आपकी बात हुई थी हादसे के बाद? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मेरे रिलेटिव से बात हुई है हमारी। तो ये इनके परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर अभी कुछ देर में बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट के अराइवल गेट से, और उनको उनके घर सुनिश्चित सुरक्षित भेजने की इंतज़ाम किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में लखनऊ के अलावा लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई के लोग पैसेंजर जो थे वो बोगी में सवार थे। बोगी में कुल 72 लोगों की बुकिंग की गई थी, लेकिन 9 लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी थी। कुल 63 लोग बोगी में सवार थे, जिसमें से 9 लोगों की आग लगने से मौत हो गई थी। फिलहाल यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और सभी शवों को और पैसेंजर को उनके घर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। कैमरा सोगी गिरीश के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। तो मदुरई ट्रेन हादसे के बाद वहां से शवों को लाया जा रहा है लखनऊ, और लखनऊ से ला करके शवों को और पीड़ित लोगों को यहां से उनके गंतव्यों तक के लिए रवाना किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया था और अधिकारियों को निर्देशित किया था कि पीड़ित परिवारों की मदद करें, जिन्हें इलाज की जरूरत है उन्हें बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। इसलिए मदुरई से लाया जा रहा है तमाम शवों को लखनऊ, और जो पीड़ित लोग हैं, जो 63 लोग उस बोगी में सवार थे जो बचे हैं इस हादसे के बाद, वो भी लखनऊ एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं और यहां से उनके गंतव्यों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है बेहतर तरीके से उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए। और जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनके बेहतर इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। बस उतर चुकी हैं, आ रही हैं और बस उन्हीं को लेने आए हैं बस। क्या बातचीत हुई मदर से, क्या कुछ बताया, क्या रीज़न रहा था? रीज़न कुछ नहीं भाई, सुबह मॉर्निंग में लोग उठ करके फ्रेश हो रहे थे, फिर उसके बाद एकदम से सुनाई पड़ा कि आग लग गई, आग लग गई। तो ये लोग भागे, तो दरवाज़ा लॉक था, तो किसी ने उसको एक सरिया से तोड़ा, फिर ये लोग बाहर निकल आए। और उसमें कुछ उनके साथ में आंटी लोग थी, एक दो डेथ हुई, एक हस्बैंड उनके थे, उनकी डेथ हो गई। बाकी इस तरह से 9 लोगों की डेथ हुई है। सारी बात किसने, मम्मी ने बताई थी, कल बात हुई 10 बजे का। मम्मी की अभी तबीयत कैसी है? मम्मी थोड़ा ट्रॉमा में है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसी बोगी में थे पूरा, तो थोड़ा सा एज भी है और ट्रॉमा तो है ही है थोड़ा सा उनको। तो अभी बातचीत से कैसा लगा, क्या? नहीं, अब थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन हाँ, जो अथॉरिटीज है या जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कितना आपको लग रहा है कि इसमें चीज़ें बेहतर? नहीं, बेहतर का इंदर साहब इसका ट्रेजडी इंसिडेंट हो गया, बट दोनों स्टेट्स गवर्नमेंट ने जो भी सपोर्ट किया दे हैव डन वेरी वेल। वहाँ पे भी उनको कोई परेशानी नहीं हुई, उसके बाद पूरी अथॉरिटीज़ अवेलेबल थी और यहाँ से भी डायरेक्ट कांटेक्ट बना हुआ था, तो दे हैव डन वेरी वेल, उसमें कोई कंप्लेन नहीं। अब बाकी इंसिडेंट हो गया, अब क्या कर सकते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती है। चलो विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, तमाम पीड़ित यहाँ लाए जा रहे हैं जो ट्रेन में सवार थे, और क्या उनके शवों को भी लाने की व्यवस्था की गई यहाँ पर? विवेक आवाज मिल रही है आपको? विवेक आवाज मिल रही है आपको? चलिए आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मदुरई ट्रेन हादसे में जो लोग बचे हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लखनऊ रेलवे स्टेशन, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट पर वो लाए गए हैं उनके लिए यहाँ पर। कमला देवी वर्मा। पढ़ो यार, पढ़ो। कमला जी बताएंगे कुछ कैसे हाल चाल। हाँ जी, हाँ। मुझे कुछ याद नहीं, मैं गिर गई, मेरे घुटने गड़गड़ते चले गए। हाँ, चले चले जी, चारों तरफ अरे हम अपने चक्कर में हैं। ये आंटी आप भी ठीक है? ट्रेन क्या नाम है आपका?
सावित्री गुप्ता। अच्छा, क्या कुछ घटना हुई थी वहाँ? अरे अब आगे पूछ लीजिए, आप भी थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ज्योति गुप्ता। ज्योति जी, क्या कुछ घटना हुई? 5 बजे हम लोग जब उठे थे तो ट्रेन में जो है बदबू जैसी लगी हम लोगों को गैस की। हम लोगों ने तुरंत आवाज लगाई, सबको चिल्लाना चालू किया और जितनी देर में हम लोग बाहर आए उतनी देर में आग लग चुकी थी। किस तरह से बचाया आपने? हम लोग कूदे, बल्कि उसमें ताला पड़ा हुआ था तो एक रॉड पड़ी हुई थी उससे ताला खोला, खोल करके फिर बड़ी मुश्किलों से निकले। एक ही गेट खुला हुआ था उसका। चोट वगैरह भी लग गई? बहुत लोगों को चोट लगी है, बहुत लोग तो खत्म भी हुए, 20 लोग घायल भी हुए हैं। अभी स्थिति क्या, वो जो खत्म हुए वो तो साथ में आई गए हैं, डेड बॉडी आई है हम लोगों की और बाकी 20 लोग अभी वहीं हैं और तमिलनाडु ने हम लोगों की बहुत अच्छी सुरक्षा करी। क्या नाम है आपका? मेरा कमला देवी वर्मा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर मदुरई ट्रेन हादसे में बचे जो लोग हैं वो पहुंचे हैं लखनऊ। क्या कुछ घटना हुई थी वहाँ पे सर? वहाँ पे जो ले गया था वो कुछ खाना ना बना रहा था, चाय सुबह जी, और उसी समय उसे आग लग गई। आग लग गई कैसे? आग लगी पता चल? नहीं, हम तो बीच में थे, वो किस तरीके से क्या हुआ, वो लैट्रीन की तरफ खाना बना रहा था। अच्छा, चाय बना रहा था, सुना चाय? हम लोग 54 आदमी थे, पूरा ग्रुप ले गया था 54 आदमी, 7-8 महारा बिंदा था, 7-8 आदमी चलने वाले। हाँ, जो क्या नाम था? क्या नाम है आपका? फिलहाल आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, आप एयरपोर्ट की तस्वीरें, लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर पीड़ित अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। सिलेंडर सर, हम लोग मतलब लेटे थे, सिलेंडर फटा और ये फटने के पहले कुछ पता नहीं चला, एकदम से हम लोग मतलब जो है बहुत लॉक था जी। कैसे आप लोगों ने कैसे खुद को बचाया वहाँ पे? वहाँ पर उसका लॉक को तोड़ा गया, तोड़ के फिर हम लोग कूदना शुरू कर दिए इनसे। हाँ, लॉक को तोड़ा गया, वहाँ पर चाबी को कुछ पता ही नहीं था।